बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू 3 है, इसके फैक्टर्स हमारे पास आएंगे। थ्री हमारे पास आता है 1 की टेबल में और 3 की टेबल में, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 इसके फैक्टर हैं। 2x³ प्लस 9x² प्लस 10x प्लस 3। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारे पास प्लस की हैं, तो प्लस 1 रखने से हमारे पास 0 नहीं आएगा। हम माइनस का 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस, जहाँ x है वहाँ पर हम माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 प्लस 3। माइनस 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास माइनस का 1 ही आएगा, प्लस 9। माइनस 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास प्लस डायरेक्टली कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 आएगा और प्लस का 3। 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 प्लस का 9 और माइनस का 10 प्लस का 3। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 7, और यहाँ से 10 और प्लस 3 है माइनस होगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 7। कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस वन, वैल्यू हमने रखी थी तो फैक्टर्स का आएगा एक्स प्लस 1। दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए हम सिंथेटिक मेथड यूज़ करेंगे। मल्टीप्लायर है हमारे पास माइनस का 1, तो अपने पॉलीनॉमल से कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। 2, 9 और 10 और 3, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। 2 एज इट इज़ थर्ड रो में आ जाएगा और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, और हम सेकंड रो में इसे लिखेंगे। माइनस का 2 हमारे पास आएगा, 2 1 से 2, प्लस माइनस माइनस के साइन, डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ तो माइनस का 7 आएगा, सिर्फ सेकंड रो में प्लेस करेंगे। प्लस और माइनस है, वैल्यूज माइनस होंगी और साइन प्लस की आएगी, तो प्लस का 3 हमारे पास आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ से ये माइनस होंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ये रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आना चाहिए। अब ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, से हम सी से शुरू करते हैं। एक्स की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक्स की पावर 2 है। एक फैक्टर हमारे पास आ रहा था एक्स प्लस 1 जो हमने पहले मालूम किया था, और यहाँ से हमारे पास आएगा 2x². अब इन वैल्यूज़ को अब बेस के साथ लिख लेंगे। 2x² प्लस 7x और प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू है 3। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करके हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 6 आएगा। 6 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। अब हमें 3 इसके फैक्टर इस तरह के चाहिए कि प्लस करें तो हमारे पास 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो 6 प्लस 1 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास 7 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो हम इसके फैक्टर ले सकते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 3। एक्स प्लस 1 इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x, अंदर हमारे पास आएगा
एक्स प्लस थ्री, यहाँ से क्योंकि एक्स प्लस थ्री ही है हमारे पास तो प्लस का वन ले लेते हैं और एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन एज इट इज, और इसे हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वन और ये कॉमन एक्स प्लस थ्री। ये आंसर है बुक के अंदर, इसका आंसर यहाँ पे माइनस वन आ रहा है लेकिन माइनस वन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस वन ही आएगा। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है 8, इसके फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस एट। एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट, अगर हम यहाँ पे माइनस वन रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। प्लस वन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारे नंबर टर्म्स हमारे पास प्लस की हैं तो वो माइनस होगा नहीं, ज़ीरो आएगा नहीं। माइनस वन का क्यूब प्लस सेवन, एक्स की जगह हम रख रहे हैं माइनस वन, इसका स्क्वायर होगा प्लस फोर्टीन, माइनस वन प्लस एट। माइनस वन थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस वन ही आएगा, और माइनस वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, वन को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन के साथ तो प्लस का सेवन ही आएगा, प्लस माइनस माइनस फोर्टीन और प्लस एट एज इट इज़। माइनस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, डिफरेंट साइन है तो हमारे पास आएगा प्लस का सिक्स, यहाँ पर भी डिफरेंट साइन है माइनस होंगे, माइनस की नंबर ग्रेटर है तो हमारे पास आएगा माइनस का सिक्स। प्लस का सिक्स और माइनस का सिक्स कैंसिल हो जाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। हमारे पास फैक्टर आ रहा है एक्स प्लस वन सिंथेटिक मेथड से हम दूसरा फैक्टर मालूम करेंगे, माइनस वन हमारे पास मल्टीप्लायर है, कोएफिशिएंट्स ले लेंगे वन सेवन फोर्टीन और एट। यहाँ पर फर्स्ट रो में हम लिखेंगे वन सेवन फोर्टीन और एट, अब फर्स्ट वाले को हम एज इट इज़ थर्ड रो में लिख लेते हैं और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। सेवन में से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस वन के साथ तो माइनस का सिक्स आएगा। फोर्टीन में से सिक्स माइनस होगा तो हमारे पास आएगा प्लस का एट, एट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ माइनस का एट आएगा, माइनस होंगे तो हमारे पास वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। अब ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक्स की पावर यहाँ पे ज़ीरो, सॉरी एक्स की पावर यहाँ पे वन और यहाँ पे एक्स की पावर टू। दो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, हमने पहले मालूम किया था एक्स प्लस वन और दूसरा फैक्टर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट। एक्स प्लस वन और यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक करके से सॉल्व करेंगे, वन मल्टीप्लाई होगा एट के साथ, हमारे पास एट के फैक्टर हमें चाहिए कि प्लस करने से सिक्स आए और मल्टीप्लाई करने से एट आए। अगर हम लेते हैं टू प्लस टू, फोर से एट होता है, टू प्लस फोर करेंगे तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय फोर इज इक्वल टू एट, तो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस एट एज इट इज। एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास आएगा एक्स प्लस टू और यहाँ से प्लस फोर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा एक्स प्लस टू, इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, ये इसका आंसर है।